कार्यकर्ताओं से भरा हॉल, मंच पर लगे चुनावी पोस्टर, माफी मांगते नेताजी और जय श्री राम के नारे लगाते लोग। ये वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मऊ का बताया जा रहा है और जो माफी मांग रहे हैं वो सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं और जो माफी मंगवा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नेताजी से ऐसी क्या खता हो गई कि उनसे इस तरह से माफी मंगवाई जा रही है, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। और हम फिर बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मऊ पहुंचे थे जहां बीजेपी कार्यकर्ता नाराज थे। ये कार्यकर्ता ब्रजेश पाठक से नहीं बल्कि राजभर से नाराज थे। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए मऊ की घोसी सीट पर एनडीए ने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर सपा के साथ थे, जिसके चलते ओपी राजभर बीजेपी के खिलाफ खूब जहर उगलते थे। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ उन्हें मारना चाहते हैं और उनके पीछे गुंडे लगा रखे हैं। 2022 में मिली हार के बाद वक्त ऐसा पलटा कि ओपी राजभर को सपा का दामन छोड़कर वापस एनडीए में आना पड़ा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी राजभर के पुराने बयान को दिल से लगाकर बैठे थे। एनडीए हर हाल में घोसी की सीट पर जीत चाहती है, यही वजह है कि खुद डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए घोसी पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने पहले तो खुद जय श्री राम के नारे लगाए, फिर मंच पर बैठे अरविंद राजभर को बुलाया और उनसे भी नारे लगवाए। इसके बाद सिर झुकाकर कार्यकर्ताओं से माफी मांगने को कहा। सामने कुर्सी पर बैठे कार्यकर्ताओं के आगे अरविंद राजभर जैसे ही नतमस्तक हुए पूरा हॉल तालियों और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। कुछ लोग राजभर की मौज ले रहे हैं तो कुछ लोग इसे बीजेपी की तानाशाही बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस पर बयान सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक की इस हरकत को राजभर समाज का अपमान बताया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि ये है भाजपा के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार, जो अपने साथी दलों के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहा है। ये अपमान की पराकाष्ठा है। भाजपा के संपूर्ण दल को इस कुकृत्य के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं उस पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आता है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे जातिवाद से जोड़ा। सुप्रिया ने एक्स पर लिखा कि ये राजभर समाज का घोर अपमान है। बीजेपी ने अपने एक ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे को घुटने पर बिठाकर बीजेपी के नेताओं से माफी मंगवाई है। यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। इस पूरे मामले पर फिलहाल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कोई बयान सामने नहीं आया है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।